नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बयान आया कल। उन्होंने कहा कि अगला जो विधानसभा का चुनाव होगा, 2025 का विधानसभा चुनाव, वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस बयान के अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं, मायने निकाले जा रहे हैं, और उसके बाद ये समझा जा रहा है कि तेजस्वी यादव 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, उनके नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ेगा महागठबंधन, और नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बना दिया है। एक मतलब यह भी निकाला जा रहा है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को कभी भी अपनी कुर्सी सौंप सकते हैं जब उन्होंने कहीं दिया है, और कभी भी तेजस्वी यादव की ताजपोशी हो सकती है। तो एक बयान, उसके कई मतलब निकाले जा रहे हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति की जो सामान्य समझ भी रखते हैं वो ये जानते हैं नीतीश कुमार यूं ही कुछ भी नहीं कहते, उनके बयान का अपना एक मतलब होता है। तो खैर, बयान का मतलब जो भी हो, तेजस्वी यादव की ताजपोशी कब होती है ये देखना होगा, तेजस्वी यादव कब बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं ये देखना होगा, ताजपोशी होनी तय मानी जा रही है, यह भी एक साफ नजर आता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अब निशाना साधा है नीतीश कुमार के इस बयान पर। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है नीतीश कुमार जहां जाते हैं फर्जीवाड़ा करते हैं, फ्रॉडिज्म करते हैं। 2025 में जब नीतीश कुमार ही चुनाव हार जाएंगे, जेडीयू ही चुनाव हार जाएगी, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री कैसे बनाएंगे? बनाना है तो अभी बना दीजिए, मकर संक्रांति के बाद। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं अरविंद सिंह, उन्होंने क्या कहा है सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप श्री तेजस्वी यादव जी को 25 के बाद कैसे बना सकते हैं? आप खुद नहीं रहिएगा तो बिहार के जनता मुख्यमंत्री बनाता है, वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आपको बनाना है तो अभी छोड़िए कुर्सी, और अभी 23 में उनको मुख्यमंत्री का कुर्सी सौंपिएगा, तब समझ में आता है कि आप मुख्यमंत्री बनाए हैं। अभी तो 25 में और 24 में लोकसभा में आप 0/0 रहेंगे, और 25 में विधानसभा में 0/0 रहेंगे, तो आप कैसे मुख्यमंत्री बनाएंगे? आप तो बिहार में जहां जहां प्रचार करने जाएंगे, आपका चेहरा ही जनता पसंद नहीं करती है, जिसका प्रचार करेंगे वो चुनाव हारेगा। अगर बनाना है तो आप जो है जनवरी में श्री तेजस्वी यादव जी को संक्रांत के बाद जो है शपथ ग्रहण करा देते तो समझ में आती। आप तेजस्वी यादव जी के साथ भी चीटिंग, जिस गठबंधन में जाते हैं वहां फ्रॉडिज्म करते हैं, फ्रॉडिज्म बंद कीजिए और आप जो है अपना चरित्र बनाइए।